So hello everyone, once again. So again, this is Rahul Mani, and आज मैं अब आप लोगों का कंसाइनमेंट का इलस्ट्रेशन 3 से स्टार्ट करूंगा. एंड ठीक है, आज हम लोग ट्राई करेंगे सारे के सारे इलस्ट्रेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं. एंड मैं ये कह रहा था, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको लाइक करिए. एंड बाकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन पर दीजिए, मैं उसको एकदम पूरा सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा आपके लिए. एंड ठीक है, फिर बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं. तो ओके, लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग इलस्ट्रेशन 3 पे आएंगे, जो कि 1 और 2 मैंने कम्प्लीट कर लिया है. जैसा कि मैंने बताया था, उधर थोड़ा आपको हेजनेस लग सकती है 1 और 2 में, बट यहाँ से नहीं लगेगा आपको, बिकॉज थोड़ा सा 1 थोड़ा एक्चुअली इन लोगों को लास्ट में कर देना चाहिए था. तो भले ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि देखिए, पहले यहाँ से आप लोग पूरा खुद से एक बार यहाँ से प्रैक्टिस करेगा सारे क्वेश्चंस, एंड देन आप 1 एंड 2 को दोबारा कर सकते हैं, मेरा दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ. चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग. ओके, मेरा क्या बोल रहा है कि 1,000 टॉयज थे जो कंजाइन किए थे रोजी एंड कंपनी ऑफ कलकत्ता ने, किसको, साहो को. तो रोजी एंड कंपनी हो गए कंजाइनर और ये हो गई साहो, हो गई कंजाइन. ओके, कंजाइन कंजाइन. अब बस ये समझ जाइए, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे इसी बेस्ड. ठीक है, कितने भी एट अ कॉस्ट ऑफ इतना ईच. ठीक है, तो फिर रोजी एंड कंपनी ने कितना, 10,000 पे किया एज अ फ्रेट एंड इंश्योरेंस. ये ड्यूरिंग द वोयाज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज बाय द फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवर. अब फायर तो हमेशा होती नहीं है, तो इससे जो भी लॉस हो रहा है ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस. दिस इज एबनॉर्मल लॉस, बिकॉज फायर कभी कभार होती है. ठीक है, दिस हैज टू बी बेयर बाय मी. मी का मतलब क्या है, मुझे ट्रेडिंग से इसको हटाना होगा. आई कांट शो एज माई परचेज, जो मैंने पहले बताया था, मैं ये परचेज नहीं दिखा सकता हूँ. आई एम नॉर्मल इसको, आई हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द परचेज. वो कैसे कर सकते हो, अगर डायरेक्टली यहाँ दिखा दो, या हम लोग यहाँ बाय आप नॉर्मल लॉस कर देंगे, यहाँ पूरा परचेज दिखा देंगे. और क्या बोल रहा है कि इतने हैड टू बी रोन ओवर बोर्ड एंड टुक अ डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज. और बाकी कंजाइनी ने बाकी सारे टॉयज की डिलीवरी ले ली, मैं 900 टॉयज की, एंड इतना कस्टम ड्यूटी पे किया. साहो सेंड अ बैंक ओवरड्राफ्ट टू दिस, ओके, फॉर द 50,000 एज एन एडवांस पेमेंट. तो यहाँ पे इसने कितना पे, 50,000 इसने एज एन एडवांस पेमेंट भी कर दी. ओके, एंड लेटर इसने बताया कि मेरी जो सेल हुई है 800 टॉयज की हुई है, जिसमें 220 रुपये मिला है एक का. एक्सपेंसिस जो इसने इंकर किया एज अ गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट की, वो 2,000 है. एंड इसको 5% कमीशन मिलेगा सेल पे. एंड एक क्रेडिटर था जिसने 5 टॉय नहीं दी. अब यहाँ पे डेल क्रेडिट नहीं हुआ है, देयर इज नो डेल क्रेडिट, कमीशन हैज बीन गिवन बाय द कंजाइनर. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होगा वो कंजाइनर बेयर करेगा. हु विल बेयर, कंजाइनर इज गोइंग टू बेयर. ठीक है, फिर हम ये आज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग को बनाना है कंजाइनमेंट अकाउंट. तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कंजाइनमेंट अकाउंट. लेट्स सी कंजाइनमेंट अकाउंट नाउ. तो कंजाइनमेंट अकाउंट अब यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है. अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को अब क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइन वाइज बस चलना है. लाइन 1,000 टॉयज कंजाइन बाय रोजी एंड कंपनी, कितने पे, इतने 150 पे दिया गया है कंजाइन किया गया. तो ये बोल सकते हो टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट कितना, 150 के थे 1,000 में, तो इतने हो गए मेरे. ठीक है, डन. कितना, पहला पार्ट डन. फिर इसने पे किया फ्रेट 10,000 और इंश्योरेंस. तो क्या हो जाता है, कंजाइनर जब पे करता है, तो मैंने पहले ही बताया, वो जब पे करता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो जब पे करता है तो उसके लिए वो एक्सपेंस है. और जब वो एक्सपेंस होता है तो कंजाइनमेंट क्या हो जाता है, डेबिट. और उसके हाथ से पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू बैंक.
ये कंजाइनर कर रहा है तो कंजाइनर जो भी करता है उसके लिए क्या एक्सपेंस है, तो कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और फिर पैसे जाएंगे तो टू बैंक, इसलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं और कर देंगे यहाँ पे टू बैंक। बस आप इस फॉर्मेट को ही समझ जाइए, आपका सारा खत्म हो जाएगा बस फॉर्मेट देख के। आप यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10,000 प्लस 1,500, मतलब टोटल यहाँ पे 11,500 आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। फिर वोयाज में 100 टॉयज मेरे क्या हो गए, डैमेज हो गए थे, ठीक है, इसलिए मुझे 100 टॉयज की कैलकुलेशन निकालनी होगी, मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया था। बट ये मैं हटाऊंगा अभी फॉर अ टाइमिंग, इसको हम लोग साइड कर। इसके बाद आते हैं, हैड टू बी थ्रोन ओवर, इट टुक द डिलीवरी एंड पेड इतना एज अ कस्टम ड्यूटी। अब कंजाइनर ने मान लो ये कस्टम ड्यूटी पे कर दी, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस जो वो पे कर रहा है। अब ये बताओ वो क्यों बेयर करेगा, तो मेरे लिए क्या है, मैं उसको कंपनसेट करूंगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, और ये मेरे लिए क्या है, खर्चा भी है, कंजाइनमेंट को क्या कर देंगे डेबिट, बिकॉज ये मेरा खर्चा है डेबिट, और मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं उसको पे करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू कंजाइन। तो यहाँ पे सेम वे ऐसे ही आ जाता है, टू साहो, साहो ही था ना आई गेस, ये है साहो, हाँ तो साहो, ठीक है साहो। अब साहो में क्या हो गया कि ये यहाँ पे चला जाएगा, ओके, साहो में क्या कितना था यहाँ पे 1,400, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,400 मेरा साहो में एज कस्टम ड्यूटी चला गया, बिकॉज मैं बाद में इसको कंपनसेट करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो आई एम क्रेडिटिंग इट, और मेरा एक्सपेंस है तो मैं कंजाइनमेंट को क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ, ओके डन। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर क्या बोल रहा है, साहो ने सेंड किया बैंक ओवरड्रॉफ्ट राव रॉय एंड कंपनी, या राव रो एंड, गलत लिख दिया, आई गेस रोजी होगा क्योंकि ऊपर रोजी है, तो एज एन एडवांस पेमेंट एंड लेटेस्ट सेंड इन अकाउंट से, इसने एडवांस पेमेंट की, तो एडवांस पेमेंट दे दी तो मेरा मेरी बुक्स में क्या एंट्री आएगी, मुझे पैसे आ रहे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरी यहाँ पे ये बताओ, जो मुझे उससे पैसे लेने होंगे वो मेरे बाद में जब वो बेचेगा करेगा तो वो मेरे लिए क्या एज एन एसेट है, ठीक है, मैं उससे पैसा लूंगा अब, लेकिन मुझे वो अगर 50,000 पहले ही दे देगा तो क्या मैं बाद में उससे पैसे लूंगा, नहीं लूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे 50,000 के एसेट कम हो गए, तो बैंक अकाउंट मेरे पास पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट, और इसलिए टू कंजाइनिंग मतलब टू साहो, व्हाई, बिकॉज मेरे एसेट कम हो गए। तो यहाँ पे भले बताए यहाँ पे कंजाइनमेंट पे वो एंट्री नहीं आएगी, इफेक्ट नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर दैट हम लोग यहाँ पे एक के बना देते हैं, यहाँ ही पे एक एंट्री बना देंगे, जस्ट लिख देना ऊपर, बिकॉज एक फॉर कि हम लोग बाद में ये रेफर कर सकें, काम आ जाए 50,000 एज एन एडवांस पे, हम लोग ने 50,000 एडवांस पेमेंट भी कर दी, ओके। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि लेटेस्ट इंडियन अकाउंट इज शोइंग दैट 800 टॉयज हैव बीन सोल्ड एट था, इतना 800 में बेच दिया। अब जब बेच देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब मैं बेच दूंगा तो मैं कंजाइनी से पैसा लूंगा, तो कंजाइनी क्या हो जाएगा डेबिट, कंजाइनी डेबिट, और मेरे क्या है इनकम है, तो टू कंजाइनमेंट, तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा बाई साहो, साहो कितना 800 बेचा, कितने में बेचा 220 पे बेचा, तो ये मेरा आ जाएगा 1,76,000, तो यहाँ पे 1,76,000 हम लोग लिख देंगे, ओके, ये भी मेरे यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। 800 टॉयज एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई साहो ऑन गो डाउन एंड एडवर्टाइजमेंट, अगर आप लोग देखेंगे जो पहले ये पे कर रहा है कस्टम ड्यूटी वो मेरा है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और ये जो मेरा यहाँ पे अभी 2,000 पे कर रहा है गोडाउन, ये है मेरा रिकरिंग एक्सपेंस, बिकॉज रेंट हम लोग बार बार एनुअल पे करते रहते हैं। तो यहाँ पे अब एक बार बताओ, फिर एक्सपेंस हो रहा है तो मैं कंजाइनिंग को क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा, मेरे लिए क्या एक्सपेंस, तो कंजाइनमेंट क्या हो जाएगा डेबिट, और मैं कंजाइनिंग को क्या करूंगा, मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़े, तो टू कंजाइनिंग, तो यहाँ पे आते हैं और फिर लिख देंगे टू साहो कितना 2,000 मैंने कर दिया, ठीक है, ये हो गए 2,000, एंड ही वाज एंटाइटल्ड टू अ 5% कमीशन, अब उसको 5% कमीशन भी दे देते हैं, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 5% जाएगा 1,76,000 का, तो 1,76,000 का 5% मेरा आ गया 8,800, तो ये इसकी कमीशन भी चली गई, कमीशन भी मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, तो कंजाइनमेंट डेबिट, और मेरी लायबिलिटी बढ़ रही बिकॉज आई हैव टू पे, तो टू कंजाइन ही अगेन, ओके देन। अब यहाँ बोल रहा है कि मेरा जो एक क्रेडिटर था वो 5 टॉय का पैसा नहीं पे कर पाया,
टॉय, मतलब पांच मैंने कितने पे बेच रहे थे, 220 पे, तो उस हिसाब से ये कितना हो गया, 220 इंटू 5 करते हैं 1100 होता है, तो ये जो 1100 है वो नहीं पे कर रहा है, तो मेरा ये जो 1100 है ये कंजाइनर पे करेगा, बिकॉज मैंने डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं किया, तो अगेन मेरे लिए क्या है खर्चा, तो कंजाइनमेंट डेबिट, और अभी कौन बेयर किया है, कंजाइनी ने पैसा दिया होगा अभी, मतलब जो बेयर, तो मैं किसको रेम्यूनरेट करूंगा, कंजाइनी को, तो 1100 किसको देंगे हम लोग, तो ये मेरा जो 1100 है ये मेरा 1100 जाएगा कंजाइनी के पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंजाइनी के पास, एक सेकेंड हम रुक जाएगा बस, ओके okay. तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अगेन टू साहो हो जाएगा 1100, क्योंकि वो बेयर नहीं करेगा, बात खत्म यहाँ पे, ठीक है, वो तो बेयर करेगा नहीं, तो मुझे अभी कौन बेयर क्या हो वो, तो मुझे उसको क्या करना होगा रेम्यूनरेट, तो मैं उसको अभी रेम्यूनरेट कर दूंगा, क्लियर है, तो ओके okay. अब आते हैं हम लोग, ये हो गया, हमने एक पॉइंट छुड़ाया था ये 100 टॉय वाला, 100 टॉय मेरा हो गए थे अबनॉर्मल लॉस. अब एक चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि जब भी मैंने बताया था हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो तीन चीज आती है, क्या आती है, तीन चीज आती है, आप लोग एकदम याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा ये, बिकॉज बहुत ज्यादा, सबसे पहले क्या आता है, जो कॉस्ट है प्लस कंजाइनर का एक्सपेंस प्लस नॉन रिकरिंग कंजाइनी एक्सपेंस, सिर्फ नॉन रिकरिंग, ये दो चीज में कैलकुलेट करने में मदद करेगा, एक एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग और एक क्लोजिंग स्टॉक, तो एक बार बताइए, चलिए बस ये तीन चीज को दिमाग में रखना है, मैं करता हूँ ओके okay? अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में 10 टॉय थे मेरे, 10 टॉय, 100 टॉय सॉरी, तो 100 टॉय मेरी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, यहाँ पे यही मैं कह रहा था कि अगर आप देखेंगे मेरा एक टॉय की कॉस्टिंग कितनी हुई है, 150, तो अगर नोट्स की तरफ चला जाए, मैंने पहले बताया कॉस्ट 150 × 100, अभी हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ओके, तो 150 × 100 मतलब ये हो गए मेरे 15,000, अब आते हैं यहाँ पे, ये हो गया प्लस ये 10,000 और 1500 मतलब 11,500 किसके एक्सपेंस हैं, ये 11,500 एक्सपेंस लगे हैं बाय द कंजाइनर, कंजाइनर के सारे एक्सपेंस आएंगे सारे, और ये 11,500 कितने के हैं, 1,000 टॉय के हैं, अगर ध्यान से देखा जाए उसने कितने भेजे थे, 1,000, कंजाइनर जब भेजा था तो कितने भेजा था, 1,000, ठीक है, बट जब मिले तो कितने मिले, 900, तो आप ये बताइए, तो ये जो कस्टम ड्यूटी अगर साहो उसने जो दिया है, साहो ने कितने पे दिया होगा, 900 पे दिया होगा, तो वैल्यूएशन के वक्त हमको ध्यान देना है कि कंजाइनर ने जब भेजा तो कंजाइनर ने ये जो दो एक्सपेंस के कितने पे किए, 1,000 पे किए, बिकॉज उसने जब भेजा उसने कितने भेजे होंगे, 1,000, बट इसने जो कस्टम ड्यूटी पे की होगी वो कितने पे की होगी, 900 पे, वाई, बिकॉज इसको जब मिले तो 900 मिले, 100 क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो 100 पे कस्टम ड्यूटी उसने नहीं पे की होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि कंजाइनी का देखना होगा कि उसको कितना मिला है, तो अगर वो कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस रहता है तो वो उतने पे ही देगा, तो ये लेकिन 11,500 जो कंजाइनर के एक्सपेंस है ये सारे वैल्यू करते वक्त आते हैं, ये 11,500 अगर 1,000 का है तो फिर मेरे 100 के कितने, तो ये मेरा आ जाएगा 11,500 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया 1,150, तो ये मेरे नोट्स में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 1,150 प्लस मेरा एक आएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी, तो
अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पे आऊँ तो कंसाइनी ने 14,400 के कस्टम ड्यूटी पे किया एज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। इसने 2,000 का ये भी किया है बट ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दिस इज रिकरिंग एक्सपेंस, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा बट ये एक्सपेंस क्या आप नॉर्मल लॉस में पे हुआ? नहीं हुआ है, बिकॉज आप नॉर्मल लॉस पहले ही टूट गया, पहले ही नहीं मिला। और जब वो मिला ही नहीं तो उसने एक्सपेंस भी उस पर पे किया? नहीं पे किया। तो ये तो उसमें आएगा ही नहीं। क्यों? 1,000 टॉय की कॉस्टिंग थी, मुझे आप नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग करनी है, मैंने 150 रुपये उस पर पे किया होगा 100 में, तो मेरी 150 रुपये मैंने पे किया होगा 100 पे, तो मैंने इसलिए ये 15,000 आया, प्लस 11,050 उसने कंजाइनर ने पे किया है। अगर आप देखें 10,000 प्लस 1,500 उसने कितने पे पे किया है? उसने पे किया है 1,000 रुपये, क्योंकि वो जब भेजा था उसने 1,000 भेजा था। ठीक है, बट जब उसको मिले तो कितने मिले कंजाइनी को? 900। तो 900, तो 1,400 किस पे किया गया है? 900 पे। तो ये जो 900 पे जो पे किया गया है, तो इसलिए इस मतलब 100 रुपये जो मेरे अब नॉर्मल लॉस उस पे पे नहीं हुआ, तो मेरा ये कॉस्टिंग में ऐड नहीं होगा। तो मेरी टोटल कॉस्टिंग कितनी हुई अगर आप नॉर्मल लॉस की अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, ये मेरा हो गया 15,000 प्लस 11,050, तो ये मेरे आ गए 16,150। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ आंसर्स में, जो मुझे यहाँ से अब नॉर्मल लॉस हटाने होते हैं बाय अब नॉर्मल लॉस की यहाँ पे आ जाएगी ट्रीटमेंट 16,150। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 16,150। ओके, यहाँ पे आ गए मेरे 16,150। मैं एक बार फिर आऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि अब मुझे एक लास्ट चीज वैल्यू करनी है। मैंने इसने मुझे 1,000 टॉय भेजे, 100 टॉय क्या थे? एबनॉर्मल लॉस हो गए, मतलब गायब ही हो गए। 900 इसको मिले होंगे जिसमें से 800 इसने भेज दिए, अब बचे कितने? 100। 100 क्या है मेरे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं अगेन। अब यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे क्या? 150 रुपए। 150 रुपए क्या हो जाएगा मेरा? 150, 100 थे तो ये हो गए प्लस, अगेन ये भी 1,150 आएगा 100 रुपए का, प्लस इसमें कंजाइनी का भी क्या आ जाएगा? इसमें कंजाइनी का जो 14,400 पे किया है ये 900 का पे किया है, ये जो 14,400 पे किया है वो 900 का पे किया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का भी पे किया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए पे हुआ है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 14,400 अगर ये पे हुआ है 900 का, तो 100 का कितना ये करते हैं, 14,400 हुआ है 900 का, तो मेरा हुआ है 100 का 1,600, तो ये 1,600 आएगा और ये 1,600 यहाँ पे ऐड होगा, ये यहाँ पे 1,600 भी ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 16,150 प्लस 1,600, तो ये मेरा आ गया 17,750। ओके, ये आएगा। ओके, ये कंजाइनर का एक्सपेंस था, ये 100 का इतना आता है तो ये भी आएगा। तीन चीज आती है वैल्यू का, देखो बस याद रखेगा, एक कॉस्ट, कंजाइनर एक्सपेंस एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है यहाँ पे क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये तो पे हुआ ही नहीं है जब उसका, तो हम कैसे ले सकते हैं? अगर पेड होता तो जरूर लेते, बट यहाँ पे तो पे ही नहीं होगा क्योंकि उस वजह पहुंचा ही नहीं, जब उसके पास पहुंचा नहीं तो वो पे भी नहीं किया होगा कंजाइनी, बट ये पहुंचा था इसने पे किया तो ये इसकी कॉस्ट पे ऐड होगा एंड ये मेरा 17,750 की कॉस्टिंग हो गई। ओके, तो मेरा ये यहाँ तक अभी तक आई गेस पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देता हूँ, मैंने क्लोजिंग स्टॉक में है 17,750, तो मुझे यहाँ पे दिखाना होगा बाय कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। सत्रह सात सौ पचास। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस डिपेंडिंग जो भी है। ओके, अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस जो भी, जैसा मैंने बताया, तो 1,76,000 प्लस 16,150 प्लस 17,750 माइनस 1,50,000 माइनस 10,000 माइनस 1,500 माइनस 14,400 माइनस 2,000 माइनस 8,800 माइनस 1,100 आज मेरा प्रॉफिट आ रहा है 22,100 इन कंजाइनमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा क्रक्स, आप लोग देखेगा, मैंने 1,50,000 का मेरी कॉस्टिंग हुई थी गुड्स जो मैंने बेची, मैंने जो भेजा वो 1,50,000 की कॉस्ट का गुड भेजा, ठीक है, मेरा इतना खर्चा हुआ।
मैंने इतना और खर्चा किया, ठीक है अब टोटल गुड्स मेरे इतने हैं, मान लेते हैं 1,000 गुड्स है, ये 1,000 गुड है, इसमें से मैंने अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट, जितनी कॉस्टिंग बैठी मैंने यहां से उड़ा दी, कितना बचा यहाँ पे 900 गुड बचा, कितना बचा 900 गुड बचा। यहां से मैंने अगर आप देखेंगे साइड में मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी हटा दिया उसकी जो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री थी, जितना बैठता था मैंने उसकी भी कॉस्ट यहाँ से हटा दी। अब यहाँ पे कितने की कॉस्ट बैठी, ये जो कॉस्ट है ये 800 की है, ओके दिस इज फॉर द 800। अब यहाँ पे जो और मेरे एक्सपेंस आए हैं कंसाइनिंग कमीशन एंड ऑल, इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, दिस इज माई टोटल एक्सपेंस ऑफ सेलिंग द 800 पीसेस इन कंसाइनमेंट, ओके एंड मुझे मिल कितना रहा है 1,76,000, ओके। अब मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, फिर से बोल दे रहा हूँ यही पूरा क्रक्स है, मेरे पास 1,50,000 प्लस मैंने 10,000 प्लस 1,500 ये यहाँ पे आ गए, दिस इज द कॉस्टिंग ऑफ 1,000 गुड जो कंजाइनर ने बेयर की, इसमें से जो भी अब नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग थी मैं यहाँ से हटा दिया, अब ये बची 900 गुड की कॉस्टिंग, 100 गुड हटा दिया क्लोजिंग स्टॉक की, यहाँ पे बची कितने की कॉस्ट 800 गुड की कॉस्ट, सारे एक्सपेंस और ऐड कर दो यहाँ जो नीचे है लाइक कमीशन एंड ऑल, ये मेरे सारे खर्चे हैं बेचने के 800 गुड के इन कंसाइनमेंट, मैंने यहाँ से नॉर्मल हटा दिया क्लोजिंग हटा दिया, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इतनी कॉस्ट इतना पैसा, अब प्रॉफिट या लॉस आ आई गेस क्रक समझ में आ गया होगा। तो ये मेरी कॉस्ट है, ये सारी ये कमीशन एंड ऑल ये सारे मेरे यहाँ पे यही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट आई हैव टू शो इज दिस ओनली, ओके ओके। तो मेरा इतना जो था ये ऐसे हो गए, ठीक है, तो आई गेस आप लोग पूरा ही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि होता क्या, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पीएनएल, सारा पीएनएल, यहाँ सारे खर्चे यहाँ सारे इनकम, अब इतनी इनकम सारे खर्चे लेस मेरे आ गए प्रॉफिट या लॉस, यही तो कर रहे, यहाँ पे सेल लिखा दिए, यहाँ पे बस तीन चीज आएगी हमेशा याद रखिएगा, इनकम साइड एक आपका कंजाइनी बाई कंजाइनी करते हैं फॉर अ सेल, बाई क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट इन्वेंटरी बाई नॉर्मल लॉस अगर एप्लीकेबल होगा तो, ये तीन चीजें, बाकी यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, टू बैंक फॉर कंजाइनर, जो कंजाइनर के एक्सपेंस होते हैं टू बैंक दिखाते हैं, क्या हो गए टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू बैंक, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देन आई विल बी डूइंग टू कंजाइनी फॉर एनी एक्सपेंसेस बेयर बाई कंजाइनी, जो भी वो बेयर करेगा उसके सारे के सारे एक्सपेंस ये बेयर करेगा, तो यहाँ पे हो जाता है टू कंजाइनी, और फिर मैं एक लास्ट चीज बोलूंगा कमीशन पे करने के लिए भी क्या होता है टू कंजाइन और फिर टू प्रॉफिट, वैसे बोल रहा हूँ यहाँ आती क्रेडिट साइड में आएगी तीन चीज, तीन चीज में क्या होता है तुम्हारी बाई कंजाइनी, बाई कंजाइनी मतलब सेल, उसके बाद आता है बाय नॉर्मल लॉस एंड बाई कंजाइनमेंट इन्वेंट्री, ओके देन इधर आते हैं, इधर आता है टू गुड्स सेंड ऑन कंजाइनमेंट, ओके फॉर जो मेरे जब कितने कॉस्ट की गुड्स दी मैंने उसे, फिर मेरा आ जाएगा टू बैंक जितना कंजाइनमेंट खर्चा किया है, फिर मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है टू कंजाइनी फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी एंड फॉर द कमीशन आल्सो टू कंजाइनी। तो आई गेस पूरा ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये दिस इज ओनली द कंजाइनमेंट एंड नथिंग एल्स, पूरा यही है, बस पहला क्वेश्चन जनरल एंट्री मैंने समझाया है वो थोड़ा सा आप लोगों को पहले लग सकता है, बट अगर ये समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये फॉर्मेट भी अगर आपको याद है तो आप ये सोच कि ये ऐसे ऐसे था तो आप कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि समझ के चले, ठीक है, मतलब मेरे डेटा ट्रेडर का थोड़ा कंसेप्ट बिठा के चलना है, उसके बाद अपने आप हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये तो बता दिया, ठीक है, अब आई गेस क्वेश्चन में अगर हम लोग चले हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कुछ और भी मांग रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये तो बहुत ही इजी, इसका एक लेजर बना देना जिसमें अगर आप देखोगे तो इधर क्या कर रहे हैं हम लोग गुड सेंड ऑन, तो वहां पे क्या एक लेजर बनाएंगे, क्या होगा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, पहले क्रेडिट हो रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा बाई पीएनएल अकाउंट मतलब बाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और वो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट का लेजर बनाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ देख सकते हो एंट्री क्या बन रही है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट सबसे पहला, और मैंने बताया था ये चीज होती है खत्म ट्रेडिंग से, इसको मुझे खत्म करना होता है ट्रेडिंग से, मेरे पहले वाले लेक्चर अगर देखे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये होता है क्या मेरा पूरा खत्म होता है बाई ट्रेडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा डेबिट टू ट्रेडिंग, तो यहाँ टू ट्रेडिंग से ये खत्म मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म पूरा, यहाँ पे आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट से मेरा ये बनेगा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, और यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट से उसको कर देंगे खत्म, ये मेरे हो गए यहाँ तक, ओके। अब मुझे यहाँ क्या बोल रहा है इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्री बनाना है, इन्वेंट्री के लिए मैं अभी दिखा देता हूँ पहले,
और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साहो अकाउंट इज नथिंग बट अ कंजाइनी अकाउंट जो मुझे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ। साहो अकाउंट क्या है, ये कंजाइनी अकाउंट मुझे बनाना है, कंजाइनर अपनी बुक्स में बनाता है। तो ये कैसे बनता है, लेट्स सी, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ साहो अकाउंट, बहुत ही इजी है, यहाँ कुछ भी आपको करना ही नहीं है ज्यादा, आपको बस कंजाइनमेंट अकाउंट से कॉपी पेस्ट करना है। अगर ये देखें साहो में यहाँ पे 1,76,000 है, तो क्या है साहो, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, आ जाओ भैया यहाँ पे, तो टू कंजाइनमेंट कितना था, 1,76,000 था, लो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साहो को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं कैसे, कंजाइनमेंट से, कितने से, 14,400, 2,000, 8,800 एंड 1,100, सम कर लेते हैं सबका, कितने हो जा रहे हैं, 14,400 प्लस 2,000 प्लस 8,800 प्लस 1,100, ये आएगा 26,300, इसका सम करेंगे मेरा आ जाएगा 26,300, आ जाते हैं यहाँ पे आ जाएगा बाई कंजाइनमेंट, कितना बाय कंजाइनमेंट, कितना 26,300। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पे एक चीज लिखवाई थी आप लोग को, ये एंट्री साहू को हम लोगों ने क्रेडिट किया है बैंक अकाउंट है एज एन एडवांस पेमेंट, तभी मैंने बोला था इसको ऊपर लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा बाय बैंक, तो इधर आते हैं क्या हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो गया, कितना 50,000। अब ये बताओ मुझे इससे इतना लेना था, इतना अब भाई क्या हो गया, कंसाइनमेंट को मुझे ही पे करना था, मुझे इससे इतना लेना था और मुझे इसको इतना देना था, तो ये सेट ऑफ मार दे, और 50,000 इसने ऑलरेडी दे दिया, तो अब कितना देना है, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस रेमिटेड, ये मुझे इतना पैसा और दे दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, इस मुझे इतना लेना था साहू डेबिट, मतलब मेरा डेटर है, मेरा ये डेटर है कितना, 1,76,000 का, एट द सेम टाइम ये मेरा क्रेडिटर ही है कितने का, 26,300 का, तो मैं बोल सकता हूँ मुझे इससे इतना लेना है और मुझे 26,300 उसको देना था, बट 50,000 इसने ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं ये और लूंगा नहीं, तो बस मेरा बचा कुछ क्या है मैं ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1,76,000 माइनस 26,300 एंड देन माइनस 50,000, तो ये मेरा आ गया 99,700 विच आई हैव जस्ट गोना हैव टू टेक इट, आई गेस ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आप लोग को मैं एक चीज और बता दूं कि जो मैंने यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया सब कुछ याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं पहले बोल, हर एक चीज कॉस्ट पे रहेगी, हर एक चीज कॉस्ट पे रहेगी एक्सेप्ट दिस कंजाइनी जो सेल दिखाएगा, सेल में क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये सेल वाला को छोड़ के हर एक चीज मुझे कॉस्ट में दिखानी है, किस पे दिखानी है कॉस्ट में दिखानी है, बाकी एक इलस्ट्रेशन से आईसीआई के आंसर्स अगर आप लोग देखेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट मैं उसको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा जो आईसीआई उसको मानता है एंड वो पूरा सही रहेगा, आप उसको देखिएगा वो बहुत ईजी लगेगा आपको, मैं अभी बताऊंगा वो इलस्ट्रेशन फोर उसी पे बेस्ड है, ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ अभी, बट याद रखने का कि सब चीज कॉस्ट है, अगर देखेंगे ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये सब तो ये भी कॉस्ट कॉस्ट, मतलब जो भी मेरा आया ये सब मेरे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो हमेशा मेरे खर्चे वो कॉस्ट पे रहते हैं, बट अगर आप नॉर्मल लॉस देखेंगे तो हम लोगों ने कॉस्ट पे वैल्यू किया है, ये भी हम लोगों ने कॉस्ट पे वैल्यू किया है, तो एवरीथिंग इज गोना बी वैल्यूड एट कॉस्ट, बस इतना याद रखने का, वो अभी आप नहीं समझ रहे होंगे आई गेस, बट एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा समझ जाएंगे, बस इतना याद रखिए, बस दिमाग में बैठाने सब चीज क्या दिखानी है, कॉस्ट पे दिखानी है, एक्सपेंसेस तो मेरे सारे ही कॉस्ट होते हैं, तो उसको तो छोड़ो, बट दिमाग में क्या रखने का कि आप नॉर्मल लॉस और कंजाइनमेंट की इन्वेंट्री मुझे किस पे वैल्यू करनी है, कॉस्ट पे करनी है, बस एक ही चीज जो होती है जिसमें प्रॉफिट ऐड हो सकता है वो साहो का बाई कंजाइनी जो होते हैं वही आ सकता है, बिकॉज वो मेरा सेल है, ओके आई गेस ये मेरा इतना क्लियर। अब मैंने एक चीज और बोली थी मैं आपको दिखाऊंगा, इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट तो बहुत ही ईजी है, कुछ करना ही नहीं है, ये ऊपर देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री बन रही है, कंजाइनमेंट इन्वेंट्री क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, टू कंजाइनमेंट आ जाते हैं, टू कंजाइनमेंट बस कितना है, 17,750, ये हो जाएगा 17,750, और यहाँ कर देना बाय बैलेंस सीडी, बस पानी खत्म, बाय बैलेंस सीडी 17,750, ये मेरे इतने हो गए, तो यही था बस पूरा क्वेश्चन, दैट वॉज द एंड ऑफ इट, and now I will be moving forward towards the next question, illustration 4. illustration 4 क्या बोलता है, let's see now. यहाँ पे कह रहा है कि एक नाइक स्पोर्ट कंपनी है, अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा बिकॉज अभी तो मैं बहुत स्लो एक एक कंसेप्ट समझा रहा था, अब मैं एक एक कंसेप्ट नहीं, अब बस मैं फास्ट चलूंगा बिकॉज अभी तक मुझे बेस पूरा क्लियर करना था, अब आई गेस आप लोग का पूरा बेस तो क्लियर हो ही गया है, तो ठीक है अब बेस क्लियर हो चुके हैं, तो अब बस मुझे मूव ऑन करना, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि नाइक स्पोर्ट कंपनी है जो न्यू दिल्ली की, जिसमें 1,000 शूज जो है एडिडास के जो कॉस्टिंग करते हैं 1,500 ईच,
इनवॉइस एट 2000। एक्चुअली हुआ क्या, इसने जब कंजाइनर ने जब कंजाइनी को भेजा तो उसने ये नहीं बताया कि उसको 1500 का कॉस्ट है। उसने इसको इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में इसको बता दिया था कि भैया मुझे 150 का ही पड़ा है, मेरी कॉस्टिंग ही इतनी है, तो वो उस हिसाब से इसको बेचा। बट इधर क्या है कि इसने बोला कि भैया मेरे को 2000 का पड़ा, अब 2000 के ऊपर बेच के दो हमें, क्योंकि मुझे जब 2000 का पड़ा है तो मुझे 2000 से ऊपर का बेच के। इससे क्या होता है कि कंजाइनी क्या करता है, अगर मैं उसको बताऊंगा कि मुझे इतने ज्यादा का पड़ रहा है, एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं बताएंगे, तो वो मुझे और अच्छा क्या करेगा, वो मुझे और अच्छा लाके देगा, वो मुझे और ज्यादा पैसा लाके देगा, ठीक है। इसीलिए होता है, ठीक है। बट मेरी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी है, 1500। अब आप लोग समझेंगे मैंने क्या बोला कि क्यों हर एक चीज कॉस्ट वैल्यू करनी है। मुझे इनवॉइस पैसा आईसीआई ने जो किया आंसर में, वो क्या है कि वो आपका इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू करता है और फिर बाद में हटा देता है, तो कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट दिखाऊंगा वो ज्यादा इजी लगेगा, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या, बस इतना दिमाग में रखने का, सब चीज कॉस्ट पे वैल्यू करने का, इनवॉइस प्राइस आपको मतलब नहीं होता है, ओके। इनवॉइस प्राइस बस आपको डराने के लिए, बस मेनली यहाँ पे ये कि उसको बताया है कंजाइनी वो कि भाई मुझे 2000 का पड़ रहा है, उसको इनवॉइस दिखा रहा है कि 2000 का। ऐसा कंजाइनर ने पे किया क्या, 10,000 का दिस, एंड इंश्योरेंस पे किया 1500 का। ठीक है, कंजाइनर के सारे एक्सपेंस आते हैं, इंक्लूड होते हैं जब भी कॉस्ट वैल्यू करेंगे हम लोग। ड्यूरिंग ट्रांसिट द रेन शूज वर टोटली डैमेज, अगेन 100 शूज उसने भेजे जिसमें 10 क्या हो गए डैमेज हो गए, उसको कितने मिले होंगे, 90 मिले होंगे कंजाइनी को, मतलब एडिडास कंपनी को, ठीक है, ओके। अब एडिडास कंपनी ने डिलीवरी ले ली और पे किया 1530 एज एन ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय एक बार जाता है, तो ये एक बार जाता है, दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नाउ एडिडास ने इसको एज एन एडवांस पेमेंट कर दिया, अगेन 50,000 की, जैसे पहले चल रहे थे। अकाउंट सेल 80 शू की दिखा रहा है, उसने एक शू बेचा है 2200 में, जो कि एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हुए हैं गोडाउन रेंट के वो हो रहे हैं। गोडाउन रेंट, अगेन रेंट इज नॉट अ रिकरिंग, इट्स अ सॉरी इट्स अ नॉट अ नॉन रिकरिंग, इट्स अ रिकरिंग। सो एडिडास कंपनी इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 5% ऑन द इनवॉइस प्राइस एंड इतना ऑन द सरप्लस, ओके, ऑफ दिस, ओके, ऑफ द सेल प्राइस एंड इंश्योरेंस वाज क्लेम एट इतना 14,000, एंड प्लीज प्रिपेयर दिस एंड दिस, ओके। अब यहां पे मुझे क्या क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट पहले बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज द बेस, मेन यही बनाना होता है, बहुत ही इजीली बन जाएगा, हम लोग को ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, अपने आप बनेगा, देखते हैं। बस वही जो मैंने फॉर्मेट बताया उसी में चलेंगे। टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कितना 100 शू बेचा 1500 में, ओके, तो ये आ गए 1500 100, बस हम लोग के साथ दिमाग में बैठ गया फॉर्मेट, अब करते जाना। नॉट एट इनवॉइस, कॉस्ट पे सब चीज मुझे किस पे दिखानी है, कॉस्ट पे, बस दिमाग में उठा लीजिए, मुझे इनवॉइस पे से मतलब नहीं है, मुझे सब चीज कॉस्ट पे दिखानी है। कंजाइनर ने कितना पे किया, 1000 प्लस 1500 मतलब 11,500 पे किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक कंजाइनर के एक्सपेंस, कंजाइनर के एक्सपेंस आते हैं यहाँ पे कितने, 11,500, 11,500 आ गए, ओके डन। अब आते हैं हम लोग ड्यूरिंग द ट्रांसिट 10 शूज वर टोटली डैमेज, इसको हम लोग लास्ट में डील करेंगे, अभी हटाते हैं। एडिडास कंपनी टू का डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शूज एंड पेड इतना फॉर द ऑक्ट्राई, ये कौन पे कर रहा है, एडिडास कंपनी पे कर रही है, तो मैं उसको रिमुनरेट करूंगा, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो मेरे लिए क्या है, खर्चा खर्चा है, तो कंजाइनमेंट डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है टू कंजाइनी, क्योंकि मैं बाद में उसको पे करूंगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे कर देंगे टू कंजाइनी। कंजाइनी क्या, वैसे कंजाइनी नहीं लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे एडिडास कंपनी, बिकॉज एडिडास कंपनी मेरी क्या है, कंजाइनी है, तो यहाँ पे जाएगा 1530 एज एन ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय यहाँ पे ही हो गया। नाउ एडिडास कंपनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू द नाइक स्पोर्ट फॉर 50,000, अब इसने पैसा दे दिया, पैसा किसको मिला है, नाइक को, नाइक क्या डालेगी अपनी बुक में कि भाई मुझे पैसा मिलना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब मेरा बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ओके, मुझे बस एक सेकेंड, ओके। तो जैसा कि मैं बता रहा था 1530 ऑक्ट्राई हो गया, अब 50,000 भेज दिया, तो इसकी एंट्री बस हम लोग पास करके रख दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मुझे पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मुझे पैसे मिल रहे हैं, एंड अगेन मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एडी डास, यहाँ पे एडी डास ये ऊपर पास कर दूंगा बाद में, क्योंकि मेरे लिए क्या है, मैंने पहले ही पैसा ले लिया, मैंने पहले पैसा ले लिया, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि मैंने लाइक पैसा ले रहा हूँ, मैं बाद में से लूंगा, वो मेरा क्या है, डेटर है,
एक तरह से अगर देखे तो वो मेरा डेटर है, मुझे उसे बाद में पैसे लेने ही लेने। अब मैं उससे पहले ही उसने जब पैसे दे दिए तो मैं बाद में उससे लूंगा नहीं, तो मुझे पैसे मिल गए और मेरे इतने से थोड़े से डेटर क्या हो गए, कम हो गए। समझने के बस तरीके हैं, आप लोग जैसे समझे ठीक है। 50,000 तो बैंक अकाउंट डेबिट एडिडास हो गए। और मुझे क्या बता रहे कि अकाउंट तो ठीक है, यहाँ पे अगेन आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बाय एडिडास, कितना उसने 80 बेचे एट द रेट 2200, विच विल कम अराउंड आई गेस अगेन विल कम 1,76,000 क्या हुआ, इट्स अ 1,76,000। तो ये मेरे हो गए 1,76,000 हो गए। नाउ कमिंग टू द अगेन क्वेश्चन पार्ट, इतना हो गए एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एडिडास ऑन द गोडाउन एंड 2,000। अब 2,000 उसने इनकर्ड किया तो मैं कंजाइनी को क्या करूंगा, रेमरेट करूंगा, क्योंकि तो मैं वो बेयर नहीं करेगा, मुझे उसे रेमरेट करना है। मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट, ठीक है, याद हो गया होगा 2,000। एंड कंपनी एडिडास इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 5% ऑन द इनवॉइस प्राइस। अब यहां पे मुझे देखिए, 5% ऑन द इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑन द सरप्लस ऑफ द सेल प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस। अब यहां पे मैं नोट्स पे आता हूं, यहां पे ये बोल रहा है कि 1,500 कॉस्ट थी, 2,000 इनवॉइस प्राइस थी और सेल हुई है 2,200 में। ये बोल रहा है कि कमीशन मिलेगा सेल पे ही, मतलब 80 शू बेचे हो तो 80 शू का जो भी इनवॉइस प्राइस होगा 2,000 × 80, इस पे आपको 5% का मिलेगा। ये बोल रहा है 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा 5%, मतलब सेल का जो भी इनवॉइस प्राइस आएगा, 80 बेचा है उस पे जो भी इनवॉइस प्राइस आएगा उसका 5% मिलेगा, प्लस 25% मिलेगा जो भी इनवॉइस प्राइस के सरप्लस पे बेचा गया। सरप्लस क्या, मतलब इनवॉइस प्राइस से कितने ऊपर बेचा गया, 200 पे, कितने शू बेचे गए, 80, तो ये कितना हो गया अगेन 16, 1, 2, 3, 16,000, इसका मिलेगा कितना 25%। समझ गए आप लोग, तो 1,60,000 का अगर मैं 5% करता हूँ, दिस विल कम अराउंड 8,000, प्लस मुझे क्या मिल जाएगा 16,000 का 25%, विच विल बी कमिंग अराउंड आई गेस 4,000, तो ये हो जाएगा। तो टोटल मेरी क्या हो गई 12,000। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इनवॉइस प्राइस मेरी कितनी है, मैंने कितना बेचा 80, तो इस पे मुझे मिलेगा 5%, बट मैं इनवॉइस प्राइस ऊपर जितना भी सरप्लस पे बेचूंगा उस पे मुझे मिलेगा 25%। तो मैंने उससे इससे कितने ऊपर बेचा, 200 पे, कितना बेचा 80, 16,000, इसका मुझे 25% मिल जाएगा। ये हो गए मुझे 12,000 कमीशन, कमीशन में लेके एक्सपेंस में किसको दूंगा, उसको तो एडास को, तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई 12,000। ओके आई गेस क्लियर हो गया होगा। ओके नाउ 25% ऑफ द सरप्लस ऑफ द सेल प्राइस ओके ओवर द इनवॉइस प्राइस। नो ये मेरा यहाँ था इंश्योरेंस क्लेम वो सेटल एट इतना। ये इंश्योरेंस क्लेम का यहाँ पे अभी मतलब नहीं है, मैं अभी बता दूंगा इसका क्या मतलब है, बट इंश्योरेंस क्लेम का मतलब अब नॉर्मल लॉस से कि मेरा लॉस हुआ उसमें मुझे मिल गया, बट इसका कोई भी यहाँ पे मतलब अभी नहीं है, तो आप प्लीज इसको अभी हटा दीजिए। बस मेरा क्या बचा, दो चीज बचते आखिरी में, हम लोग हमेशा दो चीज करेंगे, एक अब नॉर्मल लॉस की अगर हो है तो उसकी यहाँ पे कॉस्टिंग दिखानी होगी बाय अब नॉर्मल लॉस, और एक यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक की। बस बुक में अगर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा अलग अमाउंट आए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये वाला मेथड एकदम सही है। वहां पे थोड़ा एक्चुअली ज्यादा करके एक रिजर्व बना देता है, तो वो वाला हम नहीं सिखा रहे, हम इजी वे में सिखा रहे हैं। तो एबनॉर्मल लॉस है यहाँ पे, अब एबनॉर्मल लॉस मेरा आ गए और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे, अब इसको वैल्यू करते, एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करते। अगेन वैल्यू करने के लिए क्या है, 1,500 है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ सो दैट आई कैन जस्ट कैलकुलेट इट हियर। वो एंट्री हम लोग नहीं रब करेंगे बिकॉज वो कंजाइनी अकाउंट में, ठीक है। मैंने बेचा 10 शू थे, 1,500 के पड़े मुझे, 15,000 की मेरी ओरिजिनल कॉस्ट, कंजाइनर के एक्सपेंस आ जाएंगे, ये 1,500 मेरे क्या है, 1,500, 15,000 सॉरी, जब कंजाइनर बेच दिया होगा तो कितने शू भेजा होगा 100, तो ये 15,000 कितने का है, 100 का है, तो 10 का कितना हो जाएगा 1,500, यहाँ 1,500 कंजाइनर के एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे कंजाइनर के। अब प्लस में क्या करूंगा, कंजाइनी का नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग क्या, ऑक्ट्रॉय 1530, बट
ये बताइए क्या ये ऐड होगा? ये तो आप नॉर्मल लॉस कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस उसके पास पहुंचा ही नहीं होगा, जब पहुंचा ही नहीं होगा तो क्या वो उसका ओकरा पे करेगा? नहीं पे करेगा। तो यही बस यही 16,500 जो हो गए मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे वैल्यू होंगे। तो हाउ मच आई जस्ट गोना वैल्यू इट, सो दिस इज गोइंग टू बी 16,500। ओके आई गेस इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड, सॉरी मेरा ये हो रहा है, वही मुझे लगा अभी एक सेकंड के लिए कि 1500 नहीं, सॉरी दिस विल बी कमिंग अराउंड, आई एम टेलिंग यू जस्ट वेट अ मिनट, एंड मेरा ये 10,000 प्लस 1500 दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 11,500। इसका ये कितने का है? यहाँ पे मेरा 1150 आएगा इसका, क्योंकि ये अगर 100 का है तो 10 का कितना? 1150। ओके सो नाउ दिस विल बी कमिंग अराउंड 15,000 प्लस 1150, सो ये मेरा आ जाएगा 16,150। ओके ओके ठीक है, तो ये 16,150 जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गए 16,150 मेरी आप नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। ओके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं अगेन देन। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे हो जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अगेन, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो 1500 है अगेन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे पास 100 थे, 10 गायब हो गए, 90 मुझे मिले होंगे कंसाइनियों के, जिसमें 80 बेच दिया था, क्लोजिंग कितने हो गए होंगे? 10। तो 10 की वैल्यू करनी है, 1500 × 10, बिकॉज 10 शू की, एक शू की कॉस्टिंग 1500, तो 10 की क्या 1500 × 10, ये आ जाएगा मेरा 15,000 प्लस मेरा अगेन कंसाइनर एक्सपेंस। अगर मैं देखूंगा 10 का मेरा अभी अभी हम लोग निकाला था, आया था 1150, तो ये भी आएगा प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आएगा कंसाइनी का। क्या कंसाइनी ने क्लोजिंग स्टॉक में नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किया है? हाँ पे किया है। ये जो 15,1530 आया है, इसमें कंसाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किया है, क्योंकि 15,30 जो है ये 90 का है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो 15,30 है ये अगर 90 का है तो 10 का कितना? सो दिस विल कम अराउंड 15,30 इज फॉर 90, तो हाउ मच इज फॉर द 10? इट विल कम अराउंड 170। तो मेरा ये 170, मेरा ये जो 170 है यहाँ पे ये भी ऐड होगा। तो मेरी कॉस्टिंग सबसे पहले 15,000 प्लस 1150 कंसाइनर के एक्सपेंस 10 के, क्योंकि कंसाइनर एक्सपेंस 11,500 पे हुआ है 100 का, तो 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पे हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो 1530 इज फॉर 90, तो 10 का कितना? 170 आएगा। सो दिस विल कम अराउंड 1150 प्लस 15,000, सो मेरा जो ये वैल्यू हो रहा है 15,000 प्लस 1150 एंड देन देयर इज 170, सो 16,320 इज माय क्लोजिंग स्टॉक, 16,320 इज माय क्लोज। तो यहाँ पे मेरे होते हैं खत्म। मैंने ये बताया इंश्योरेंस क्लेम का, अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो अभी हम लोग छोड़ा। अब हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं टू प्रॉफिट आता है जो भी आता है, लेट्स सी दैट। ओके तो मेरा ये हो जाएगा 1,76,000 प्लस 16,150 प्लस 16,320 एंड देन देयर विल बी 1,50,000 माइनस देन 11,500 देन 1,530 देन 2,000 एंड देन देयर इज 12,000। So this is coming around 31,440 as my profit. ये मेरा क्या हो जाएगा? Profit. Okay. So ये यहाँ पे मेरा ऐसे आंसर चलेगा। आई गेस अब कंजाइनी अकाउंट आप लोगों को दिखाना है कि बनाना है, देख लेते हैं। चलिए कंजाइनी बना दे रहे हैं, जो कि एडिडास है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एडिडास कंपनी का एडिडास अकाउंट हम लोग बनाना है, तो लेट्स प्रिपेयर इट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1,76,000 से ये डेबिट हो रहा है, तो उसको डेबिट कर देंगे 1,76,000 से, और यहाँ पे आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ बस कंसाइनमेंट। ठीक है नाउ यहाँ पे आ जाएगा 1,530 प्लस 2,000 प्लस 12,000, सो दिस विल बी 14,000 देन 15,530 इज गोइंग टू बी हियर, 15,530 इज गोइंग टू बी हियर।
So this is where it is, okay? So I guess this much is clear for you. And then again, okay. So 15,530 is here. Then I will be okay. Now if you can see in a question, we have already received 50,000. So again, it is credited by bank. Okay. So I will be coming here by bank. Here it will come by bank. Here it is by consignment. By consignment. By bank 50,000. So now whatever I will be receiving is by balance remitted. By balance remitted, here it will come. Means by balance remitted. Okay. मुझे इतना पैसे लेने थे स्टार्टिंग में, इतना तो मुझे देना था, इतना मुझे लेना था, इतना देना था, इतना मिल गया, तो अब कितना लेना है? ओके, इट्स लाइक दिस, 15-30 -50,000, सो इट्स इट इज कमिंग अराउंड दिस वन आइटम. ओके, इट इज 110470. So this is all my answer, okay? ये भी मेरा हो गया, okay? Now just moving forward towards illustration number 5, okay? अब हम लोग illustration 5 करते हैं, okay? ठीक है भाई, क्या बोल रहा है? मिस नाकी कंसाइन 1,000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 ईच टू द मिस गीता. अब हम लोग अपने पढ़ते भी जा रहे हैं, क्वेश्चन दिखाओ करते जा, ओके? कंजामिन अकाउंट, ओके, ठीक है. अब हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है? मिस राखी कंजाइन 1,000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 ईच, ठीक है. तो कितने के गुड सेंड हुए? 900 इंटू 1,000, 9 लाख, ठीक है. आ जाते हैं यहाँ पे, टू गुड सेंड ऑन कंजाइनमेंट, 900 भेजे 1,000 में, 9 लाख, ठीक है. हर एजेंट ऑन द 1st जुलाई मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर. राखी मतलब कंजाइनर नहीं, जो था उसने एक्सपेंसेस बेयर कर लिए. कितने? 7650 प्लस 3250. टोटल इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो कंजाइनर के एक्सपेंस हो जाते हैं 10,900. तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाता है? टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू नथिंग बट 10,900. ओके, आई गेस क्लियर है. फिर क्या होता है? मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट. उसने 1,000 बेचे लेकिन उसको मिले कितने? 50. तो 50 क्या हो गए होंगे मेरे? आम नॉर्मल लॉस. ओके, ऑन द अकाउंट सेल रिलेटेड 30th शो दैट द 750 ऑफ द वर सोल्ड फॉर 9 लाख. मिस गीता इंकर्ड द इतना फॉर दिस, ठीक है. इसमें 750 बिक गए 9 लाख में, तो 9 लाख मेरे क्या हो गई? अगेन आते हैं यहाँ पे, बाई कंजाइनी कर देंगे. बाई कंजाइनी मतलब यहाँ पे कंजाइनी कौन है? गीता. तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? बाई मिस गीता. बाई मिस गीता कितने में बेची भैया? 9 लाख. तो 9 लाख की इसको देगी, सेल्स हो जाएगा. ओके, यहाँ पे मेरे हो गए मिस गीता 9 लाख. एंड इसने 10,500 क्या है? कैरेज वेयर किया है. तो यहाँ पे आ जाएगा टू मिस गीता. गीता कितना? 10,500 कैरेज हो गए. ओके, ये यहाँ पे आ जाता है. ओके, डन. मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 6% ऑन द सेल्स बाय हर, ठीक है. सेल कितना है? 9 लाख का. इस पे शी इंकर्ड द एक्सपेंसेस अमाउंट इट फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स, ओके. एंड अमाउंटिंग इतना फॉर दिस सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री. ओके, ये 2,500 का ये क्या कर रही है? इंकर्ड की एक्सपेंसेस. ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग इसका भी रेमुनरेशन और देंगे, तो 19 गीता हो जाएगा 2,500. ओके, और ये मेरे हो गए. एंड उसको कमीशन देना 6%. तो सर 9 लाख का हम 6% क्या करेंगे? 19 गीता 9 लाख का 6% आता है, which will be equal to 54,000. तो उसको 54,000 हम लोग कमीशन दे देंगे, तो मिस गीता करके. ओके, ये भी हो गया हम लोग का, ठीक है. मिस राखी लॉस अ क्लेम विद द इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस वाला आई गेस मैंने पहले आप लोग को नहीं बताया था, मैं भूल गया उसको.
कोई नहीं, मैं इस वाले क्वेश्चन में कवर अप करूंगा, आप समझ जाइए। इंश्योरेंस का वैसे कोई मतलब नहीं है अभी इधर, मैं जब भी बताऊंगा। एक चीज होती है लेकिन वो कंसाइनमेंट में अफेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं बता दूंगा अभी आप लोग, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं है, हटाइए। तो मुझे एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था जो मैं ऑलरेडी अभी तक बनाते आ रहा हूँ, ठीक है। आई गेस जितना क्वेश्चन में लिखा था उन्होंने कवर अप कर लिया। अब दो चीज बची है, ठीक है। अब हम लोग की क्या बची है, दो चीज बची। अब हम लोग की जो चीज थी, दो चीज थी। दो चीज क्या थी, सबसे पहले अब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है, एंड देन देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया था कि मैंने इसमें 1,000 भेजा, जिसमें से 50 हो गए एबनॉर्मल, 950 मिले, जिसमें से 750 बिक गए, तो 200 क्या हो गए मेरी क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब आते हैं पहले 50 जो एबनॉर्मल लॉस है इसका हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं 50 का एबनॉर्मल लॉस का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके। पहली बात, 50 इंटू कितने में था, एक की कॉस्टिंग कितनी है, 900 रुपये, तो ये हो जाएगा 900, तो ये हो गए 45। प्लस कंजाइनर के एक्सपेंस, किसके प्लस, कंजाइनर के एक्सपेंस, कंजाइनर का एक्सपेंस, कंजाइनर का एक्सपेंस कितना है, इस कंजाइनर ने एक्सपेंस किया है 10,900। ये जब कंजाइनर भेजा है, जब मिस राखी जब भेजी होगी, तो मिस राखी बाय द मैंने एक चीज ये हो गया यहाँ पे टू कंज, हाँ मिस जीता ही है ना, बस ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ 10,900 ये जब मैंने कंजाइनर ने मतलब मिस राखी ने जब भेजा होगा, तो कितना भेजा होगा, 10,900 जो है ये कितने पे लगा होगा, 1,000 पे लगा होगा, क्योंकि जब उसने भेजा होगा तो 1,000 भेजा, तो कितने पे लगा होगा, 1,000 पे। बट ये जो 10,500 जो लगा है, ये कैरेज का भाई मिस गीता ने जो कंजाइनी ने पे किया है, वो कितने पे होगा, 950 पे होगा। वाई, बिकॉज इसको कितने में लें, 950, तो कैरेज कितने पे पे करेगी, 950 पे। ये 10,900 जो है दिस इज फॉर 1,000, तो हाउ मच इज गोइंग टू बी फॉर 50, एबनॉर्मल लॉस मेरा 50 है, तो ये मेरा हो जाएगा 10,900 डिवाइड बाय 1,000, 10.9 इनटू 50, तो विच विल कम अराउंड 545। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हो गए मेरे 545। प्लस मेरे आ जाएंगे कंजाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे कैरेज है, ओके, बस कैरेज है। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है सिर्फ कैरेज है 10,500, बट दिस 10,500 क्या एबनॉर्मल लॉस में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसका तो पे ही नहीं हुआ एबनॉर्मल लॉस का, क्या उसने पे किया, वो पहले ही गायब हो गया, तो क्या वो ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, तो पे नहीं है तो ऐड भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो मेरा टोटल वैल्यूएशन होगा 45,000 प्लस 500, तो ये मेरा आ जाएगा 45545। इतनी क्या है मेरी एबनॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पे आके लिख देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 45545। अब मैं आता हूँ बाई कंजाइनमेंट इन्वेंट्री, बाई कंजाइनमेंट इन्वेंट्री की अब तीन चीजें अगेन कैलकुलेट करेंगे। कंजाइनमेंट इन्वेंट्री मेरे कितनी बची थी, 1,000 आए थे, 50 एबनॉर्मल लॉस हो गए, 950 उसको मिले, जिसमें 750 बेच दिए, तो 200 क्या है मेरी कंजाइनमेंट इन्वेंट्री, तो 200 यहाँ पे आएगा, तो 200 इंटू 900 रुपए का था, तो 200 इंटू 900 प्लस कंजाइनर का एक्सपेंस, कंजाइनर एक्सपेंस अगर याद होगा तो 10,900 था, बट ये 1,000 पे था, तो मेरा 200 पे कितना ये आ जाएगा, प्लस मेरा क्या आ जाएगा, कंजाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो ये 10,500 है, बट ये 10,500 कितने पे लगा है, अगर आप देखेंगे तो ये 10,500 था मेरा, 950 पे लगा है, तो 200 पे कितना, क्योंकि ये 950 में ही कंजाइनमेंट इन्वेंट्री इंक्लूडेड है, तो इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 1,80,000, हाँ, प्लस ये मेरा आ जाएगा 10,900, मेरा ये कितने पे था, 1,000 पे था, तो एक पे कितना हो जाएगा, 10.9, तो 200 पे कितना, ये मेरा 200 पे आएगा 2,180, ओके। प्लस मैं बोलूंगा कंजाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 10,500 था ये, बट कितने पे था, 950 पे था, तो एक पे कितना, 11.05 समथिंग आ रहा है, तो 200 पे कितना, 200 पे ये आएगा 2,210.526, मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, तो ये 2,211 लिख दे रहा हूँ, 2,211। तो ये मेरा टोटल क्या हो जाएगा, 1,80,000 प्लस 2,180 प्लस 2,211, तो ये मेरे आ जाएगा 1,84,391। ये मेरे क्या है, दिस इज माई कंजाइनमेंट इन्वेंट्री, तो ये मेरा आ गया। अब मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे, बस सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस,
क्वेश्चन में देख ले और कुछ हमने मिस आउट तो नहीं किया आई गेस। नहीं हमने मिस आउट नहीं किया, मैं इंश्योरेंस वाला मैं अभी क्लियर आउट करता हूँ, आप उसके टेंशन मत लीजिए। ओके अब ये हो गया कि मेरे को अब प्रॉफिट निकाल देना है, तो ये मेरा आ जाएगा 9 लाख प्लस 4555 प्लस 184391, ये आ गया माइनस हो जाएगा मेरा क्या है अगेन 9 लाख। ओके 9 लाख माइनस 10,900 एंड माइनस देन 10,500 माइनस देन 2,500 एंड माइनस 54,000, सो ये मेरा आ गया 15,206 का मेरा ये क्या है। ठीक है तो 15,206 मेरा क्या आ गया, मेरे ये आ गया प्रॉफिट। अब कंजाइनी अकाउंट बनाना है। ओके कंजाइनी मतलब यहाँ पे कंजाइनी कौन थी अगर याद हो आप लोग को, तो कौन थी आई गेस गीता थी ना, हाँ गीता। तो यहाँ पे गीता अकाउंट बनाना है, गीता अकाउंट। अब गीता अकाउंट बनाने के लिए कुछ भी नहीं, आराम से ऊपर से कॉपी पेस्ट है, इन सब को ऐड कर लो भैया, यही तो है। 10,500, 11,000, 12,000, 13,000 और 54,000 बचल कम अराउंड 67,000। 67,000 की क्या है थ्रेड हो रही है, आ जाओ भैया थ्रेड कर दो 67,000 बाई कंजामेंट एंड 9 लाख से क्या हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है अब ये बताओ क्या इसने कुछ एक्स्ट्रा पे किया है, नहीं पे किया है ना, तो बस 9 लाख माइनस 67,000 8,33,000 क्या होगा बाय बैलेंस लिमिटेड। ठीक है बाय बैलेंस लिमिटेड बोल सकते हो या बाय बैंक बोल सकते हो, बात एक ही होती है। बाय बैलेंस लिमिटेड मतलब इतना इसको क्या होगा लिमिट होगा 8,33,000। अब रही बात ना, अगर क्वेश्चन में कभी बोल दे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ तो ये काम आएगा, बट अदरवाइज ये काम नहीं आता है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भले आप सेफ्टी के लिए बना लीजिएगा जब इंश्योरेंस क्लेम अगर दे रहे क्वेश्चन में, तो अब इसका काम अब आएगा। अब नॉर्मल लॉस था मेरा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरा नॉर्मल लॉस कितना है 45545, ये क्या है डेबिट हो रहा है टू कंजाइनमेंट से, तो ये कर देंगे ये डेबिट टू कंजाइनमेंट 45545, ये है ना 45545, ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इंश्योरेंस पे देखूँ मेरे क्वेश्चन में आते हैं मुझे कितना मिल रहा है इंश्योरेंस से 35,000, तो मुझे 35,000 मिल रहा है, तो आ जाओ यहाँ पे मुझे 35,000 क्या हो रहा है पैसे आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट कितना आ रहा है 35,000 आ रहा है। तो आप मुझे ये बताएंगे बाकी मेरा क्या हो रहा है लॉस, तो ये बाकी जाएगा पीएनएल अकाउंट है। एक्चुअली ये बस हमेशा हमें क्या दिखाना होता है कॉस्ट पे दिखाना होता है, आप नॉर्मल लॉस बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं दिखाना है, बस कॉस्ट पे वैल्यू कर देना है। और बाकी आप नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम लोग को ये होता है कि ये देखने के लिए मेरा लॉस कितना हो रहा है एक्चुअली, तो ये बस 35,000 इसलिए बताया, बाकी मेरा लॉस हो जाएगा। तो लॉस मेरा कितना हो गया 45545 माइनस 35,000 विच विल कम अराउंड 10,545, तो ये मेरा हो जाएगा पीएनएल में जाएगा ये चीज। और लॉस है लॉस है डेबिट, बस इतना दिमाग में बिठा लेने का है कि अब इंश्योरेंस वाला कोई काम का नहीं, कंजाइनिंग कौन है ये, अगर आप नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे काम आएगा अदरवाइज काम नहीं। तो यहाँ पे ये चीज थी अभी तक, आई गेस आप लोग को ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं अगर आगे चलूं तो अब मैं आगे चलता हूँ। ओके अब हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन 6 पर। ओके अब ये बड़ा लग रहा होगा आपको बट दिस इज नॉट ओके, तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 क्या बोल रहा है, विक्रम मलिक कोड लिमिटेड ऑफ विक्रम सेंट टू द सुंदर स्टोर। एक था ये विक्रम लिमिटेड जो कि उसको सेंड करता है किसको सुंदर स्टोर। तो मैं ये बोल रहा था अब ये सोनपुरी जो है अब विक्रम लिमिटेड था उसने विक्रम को सेंड किया सुंदर स्टोर को, सोनपुरी 5,000 केजी ऑफ द फूड पैक्ड इन 2,000 टन्स ऑफ द नेट वेट ऑफ 1 केजी एंड 6,000 पैकेट्स ऑफ द नेट वेट ऑफ हाफ केजी। ठीक है तो उसने 5,000 केजी के क्या किए थे उसने बेबी फूड पैक्ड किए हुए थे जो कि 2,000 टन्स में थे। ठीक है और जिसका नेट वेट क्या 1 केजी एंड 6,000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट जिसका क्या था हाफ केजी फॉर द सेल ऑन कंजाइनमेंट एंड द कंजाइनिंग कमीशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑफ द सेल प्रोसीड्स द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस। मुझे यहाँ पे ये दे दिया है ठीक है कि ऐसे ऐसे ठीक है ओके
तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, ये 2 घंटे नहीं, मुझे किससे मतलब है, 5,000 जो थे पूरे पूरे 1 1 kg के थे, ठीक है, एंड 6,000 पैकेट क्या थे जो थे मेरे, वो आधे आधे के जी के थे, ओके, ऑफ द नेट वेट इतना फॉर द पे, और ये 5,000 क्या थे 1 1 kg के थे, इन 2,000 टन्स ऑफ द नेट वेट 1 kg, ठीक है, वो नेट वेट होता था, ओके, मेरे 1 kg का कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस ये है, एंड हाफ के जी का जो है वो 6 रुपए है, एंड 7 रुपए में हम लोग बेचेंगे, तो आते हैं क्या बोल रहे, कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड द फ्रेट चार्जेस केम टू द 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू, कि हम लोग क्या देंगे, 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू पे करेंगे, एंड इट वॉज टू पे बेसिस एंड द फ्रेट चार्जेस केम टू द 2% ऑन द केस कंटेनिंग ऑफ 50, वन केस कंटेनिंग 51 kg टिन, एक ऐसा एक केस है जिसमें 50 तो क्या थे 1 kg के टेन थे, ठीक है, 1 kg के टेन थे, वॉज लॉस इन अ ट्रांजिट, ठीक है, मेरे क्या हो गए, वो गायब हो गए, 1 kg के जो टेन थे, ठीक है, 50 तो एक केस में 50 1 kg के टेन रखा था मेरे, वो क्या हो गए, मेरे गायब हो गए, ठीक है, ओके, एंड मुझे क्या बोल रहा है, वॉज लॉस एंड द ट्रांसपोर्टर क्या रहे एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 450 रुपीज, ठीक है, एंड मतलब उसने क्लेम कर लिया कि मुझे भाई 450 जो थे मिलना चाहिए, ओके, करता हूँ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम दिस सेंड बाय द कंजाइन, उसने मुझे ये भेजा कि सेल प्रोसीड हुई है क्या, 1500 ही है, 1501 kg के 10 एंड 4000 जो है हाफ के जी के 10 क्या हो गए हैं, सेल हो गए, ठीक है, ओके, और मेरे स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस 600 है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑन द कंसाइनमेंट, मुझे क्या बनाना, तो लेट्स चलो हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं एक बार फिर समझाता जाऊंगा, जब मैं समझाऊंगा मतलब करूंगा आंसर, तो फिर मैं आप लोग को ये समझाता, तो अब हम लोग एक बार सॉल्व कर, ठीक है, तो एक बार फिर देखना होगा, यही कह रहे हैं कि मैंने 5,000 किलो की क्या थे बेबी फूड दिए, जो एक 2,000 के टिन में थे, जो 1 1 किलो का वेट कर देगा, मतलब 2,000 की होगी, एंड 6,000 के पैकेट थे जो आधे आधे किलो, तो 3,000 के प्लस 2,000 के टोटल 5,000, ठीक है, मतलब कहने का मतलब था कि 2,000 टिन एक एक जिसमें 1 1 किलो के क्या थे, मतलब 2,000 टिन थे 1 1 किलो के, एंड एक 6,000 मेरे वही पैकेट थे जिसका वेट आधा आधा किलो का, एंड कमीशन मेरे फेक्स से 5% सेल पे, ये ऐसे नॉर्मल दे दिया, एंड फ्रेट जो पे होगा टू पे बेसिस मीन कि जब मुझे क्या होगा कि ये मेनली कंजाइन ही देगा, ठीक है, एंड द फ्रेट चार्जेस वॉज फेक्स ऑन टू पे बेसिस कि जब मतलब मुझे मिलेगा देन आई विल पे, ओके, चार्जेस केम टू द 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू एंड द वन केस कंटेनिंग इतना वाज लॉस इन ट्रांसपोर्ट एंड द ट्रांसपोर्ट कैरी, एक मतलब 50 टन मेरे गायब हो गए, 2,000 टन में 50 मेरे गायब हो गए 1 किलो वाले, ठीक है, बाकी यही बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ है, उसने ये बोल रहा कि भैया 1500 का मेरा क्या है 1 किलो वाले बिक गए, ये 4,000 बिक गए, और स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस 600, तो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही पढ़ पढ़ के करते चलेंगे, ओके, डायरेक्टली करना ज्यादा बेहतर है, ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले ये आएगा, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट आते हैं, क्या कितना भेज रहा है, अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें सब चीज कॉस्ट पे वैल्यू करनी होती है, ठीक है, 2,000 भेज रहे हैं किलो वाले, मतलब 2,000 × 10 नोट्स पे आते हैं, ठीक है, नोट्स पर 2,000 एक एक किलो के 10 भेजे, 10 में तो क्या हो गया 20,000 का ये भेज रहा हूँ, प्लस 6,000 भेज रहे हैं हम लोग, 6,000 भेजेंगे आधे आधे किलो वाले, क्वेश्चन पे आते हैं, 6,000 2,000 ये हो गए, 6,000 ये भेजेंगे जिसकी दाम क्या है 6 रुपए, ओके, तो ये हो जाएगा 6,000 × 6 विच विल बी इक्वल टू 36,000, टोटल इट विल कम टू द 56,000, ओके, तो टोटल मेरा कितना हो,
अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, 56,000 मेरा ये हो गया। आते हैं इलस्ट्रेशन कन्वायरमेंट मेरा, मतलब इलस्ट्रेशन बताएंगे क्वेश्चन पे मतलब। ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंजाइनर ने यहाँ कोई खर्चा नहीं किया, कंजाइनर ने यहाँ कोई खर्चा नहीं किया। अब बस ये बोल दिया फ्रेट भी कौन पे करे, कंजाइनी पे करेगा, टू पे बेसिस है, ठीक है। एंड फ्रेट के चार्जेस बोल रहा 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू, जो भी मेरी सेलिंग वैल्यू होगी उसका 2%। ओके सो वन केस कंटेनिंग इतना वो लॉस अंदर ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ, जो इसके लिए अब क्या करना है मुझे ये देखो, इस 2000 में 50 बोल रहा है गायब हो, 50 गायब हो, अल्टीमेटली इसको कितने मिले होंगे, 1950 मिले, और ये तो 6000 के 6000 मिले होंगे। इसकी सेलिंग वैल्यू निकालो, इसकी सेलिंग वैल्यू क्या आएगा, इसकी सेलिंग वैल्यू 15 है, इसकी 7, ये हो गए 15, ये हो गए 7, निकालते 1950 × 15, ये मेरा आ जाएगा 29250 एंड ये मेरा हो जाएगा 42 प्लस 29250, इन दोनों को ऐड करते 7125। कंजाइनी को इतनी सेलिंग वैल्यू का सामान मिला होगा, इतने सेलिंग वैल्यू का 50 तो लॉस हो गया। तो फ्रेट अगर देखा जाए तो बोला टू पे बेसिस अंदर फ्रेट चार्जेस 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, मतलब कंजाइनमेंट वॉज बुक की, जब तुम उसको दे दोगे तो तुमको मिल जाएगा टू पे बेसिस, ठीक है, तुमको तभी मिलेगा जब तुम पहुंचा दो। तो तुम्हारा ये कंजाइनी जब देगा तो कितने का देगा, यहाँ पे कंजाइनी देगा सिर्फ और सिर्फ जो उसको सामान मिलेगा, तो उसको सामान कितना मिला होगा, एक ये 1950 और ये तो पूरा 6000 का 6000 मिला होगा। बट रही बात यहाँ पे कि क्या बोला है कितना फ्रेट पे होगा, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू निकालने के लिए इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे बोल दिया सेलिंग प्राइस इतनी और इतनी है, तो मैंने जितना मुझे मिला उसकी मैंने सेलिंग वैल्यू निकाल ली, जो कि आया 7125। तो 7125 आया मेरा, तो 7125 का मुझे क्या करना है, 2%, तो इसका 2% विल कम अराउंड 1425, तो 1425 इज व्हाट इज एन एक्सपेंस। ओके सो ये मेरा आ जाएगा, मेरा क्या आ गया, मेरे 1425 इज गोइंग टू बी माय एज अ कमिंग टू द फ्रेट पार्ट। ओके तो मेरा यहाँ पे 1425 आ गया। ओके क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके एक सही मैंने, ओके सॉरी एक्चुअली मैं ये था कि ये जो फ्रेट होगा इस पे हम लोग का एक्चुअली क्या होगा, मैंने एक चीज गलत कर दिया यहाँ पे, मैंने ये कह दिया कि एक्चुअली फ्रेट क्या होगा कि टू पे बेसिस भले है बट ये सारे पे जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ 2% करा दिया कि 50 इस पे नहीं जाएगा, बट एक्चुअली वो नहीं होगा। होगा क्या, क्योंकि फ्रेट जो है मतलब एक्चुअली वो जो सामान लेके चला वो भले गया हो बट उसने सामान तो सारे लेके चले होंगे ना, तो पैसा तो वो सारे पे लेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक चीज कर दी गलत, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली यहाँ पे ये जो हो जाएगा मेरा, एक सेकेंड मैं नए पेज पे कर लेता, मेरे पास कितने थे, 2000 थे, इसकी सेलिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ओके इसकी सेलिंग वैल्यू हो जाएगी 10, और बाकी मेरे पास 6 थे, इसकी सेलिंग वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इसकी सेलिंग वैल्यू 15 है, ओके इसकी 7 है, तो ये हो जाएगा 42,000 एंड ये मेरा आ जाएगा 30,000। तो अल्टीमेटली मेरा कितना आ जाएगा, 72,000। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर सुन लीजिएगा, क्या बोल रहा था कि एक्चुअली फ्रेट जब वो ट्रक लेके चली होगी तो सारा सामान लेके चली होगी, जब वो सारा सामान भले लेके चली होगी तो ये बताइए मुझे, वो तो सारा लेके चली गई, वो पैसा तो सारा लेगी ना, इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट, हाँ कंजाइनर का खर्चा फ्रेट, बट ये पे कौन कर रहा है, कंजाइनी पे कर रहा है, भले कंजाइनी पे कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसा अगर कंजाइनर देता तो वो सारे का देता, तो सेम वे यहाँ पे वही बात आ जा रही है, ठीक है। मैंने एक चीज गलत कर दी थी, ओके तो यहाँ पे वो 50 वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं ये बोलता हूँ बाकी 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बाकी बोलता हूँ तो मेरे यहाँ पे सेलिंग वैल्यू टोटल मेरे जितने भी कंजाइनमेंट की है, टोटल मेरी जितने भी कंजाइनमेंट की है वो मेरी जो भी आएगा, ठीक है, द सेल वैल्यू
उसका 2% यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, एज अ फ्रेट देना होगा। और ये मेरा पे कौन किया है, दिस इज गोना बी पेड बाय होम, ये कौन पे किया होगा, कंजाइनी। तो हम लोग कंजाइनी को रेम्यूनरेट करेंगे और उसका नाम क्या है, टू सुंदर स्टोर। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सुंदर स्टोर कितना, 1440। इसका 2% करते हैं, ये आ जाएगा 1440। ओके, इसका जब 1440 करेंगे, इसका 2% जो आएगा वो हो जाएगा 1440, एंड फिर यही हम लोग यहाँ पे डाल दें। ओके, तो आई गेस आप लोग को अभी तक यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके।